अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, सबका स्वागत है एजुकेशन के 86 में। आज हम बात करेंगे भारतीय राज्य और लोक नृत्य के बारे में। जी हाँ, हर एग्जाम में अभी आरआरबी जेई का एग्जाम चल रहा है, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हैं आपके डांसिंग से, यानी कि हर राज्य के डांस के बारे में पूछा जा रहा है कि उस राज्य का लोक नृत्य क्या है। तो इस टॉपिक को मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारे क्यूज अटेंड कीजिएगा। टोटल जितने राज्य हैं उतने यहाँ पे आपके लोक नृत्य के बारे में बताया गया है। और उसके अलावा आपको बता दें कि हर दिन रोज शाम को 7:30 बजे एक स्टैटिक जीके का टॉपिक लेकर आते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो रोज शाम को 7:30 बजे जरूर इस वीडियो को देखा करें आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम पे जाके आप हमें ज्वाइन करें एजुकेशन के 86 को। वहाँ हर वो वीडियो शेयर किया जाता है, अगर किसी का नोटिफिकेशन नहीं भी जाता है तो आपको वहाँ पे वीडियो शेयर कर दिए जाते हैं, ताकि आप उस वीडियो से वंचित ना रह सकें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो राज्य आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? आंसर यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और इसके अलावा यहाँ पे जितने भी अलग से जानकारी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आपको, उस वीडियो के पीडीएफ को जरूर पढ़ लीजिएगा। आंसर है दोस्तों यहाँ पे इट्स अ डी, यहाँ पे कुचिपुड़ी इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश की लोक नृत्य है। उसके अलावा यहाँ पे और भी जो नृत्य है जो कि यहाँ पे की जाती है, और इस लोक नृत्य का नाम याद रखना आपको, कारण क्या है कि यहाँ पे इनमें से कोई एक नाम दे देगा और पूछेगा कि आंध्र प्रदेश की लोक नृत्य क्या है। तो इसको पढ़ लीजिएगा, आपके इंटरव्यू के टॉपिक से भी ये इंपॉर्टेंट बनता है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कि राज्य असम की लोक नृत्य क्या है? आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे फटाफट आप लोग। 4 ऑप्शन है, बिहू, जाट जतिन, या फिर फाग, या फिर चहरी। चलिए आंसर नीचे कमेंट कीजिएगा, नीचे कमेंट करके आंसर कीजिएगा इसका। 3 सेकंड का टाइम है आपके पास, हर क्वेश्चन का यहाँ पे 3 सेकंड में आंसर करते रहिएगा। आंसर होता है दोस्तों इट्स अ बिहू, जो कि असम का लोक नृत्य है। चलिए बहुत अच्छे आप लोग के आंसर आने शुरू हो गए हैं, और आशा करते हैं कि और भी लोग यहाँ पे जुड़ पाए। इसलिए इन सभी टॉपिक को देखिए, मैं बता रहा हूँ बार बार आपको, इन सभी टॉपिक्स को जितने भी यहाँ पे लोक नृत्य अलग से दिए गए हैं ये याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इसका नाम लेकर, ठीक है ना। तो इसका मैंने पीडीएफ में जिक्र कर दिया है, आप उस पीडीएफ को ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बिहार का लोक नृत्य क्या है? आंसर कीजिए चलिए फटाफट दोस्तों यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन को दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है दोस्तों। चलिए आंसर होता है दोस्तों इट्स अ जाट जटिन, नोट कर लीजिएगा, जाट जटिन जो है वो बिहार का लोक नृत्य है। उसके अलावा यहाँ पे शामा चकवा, विदेशिया, पनवरिया और बाखो बखीन नाम का लोक नृत्य भी यहाँ पे किया जाता है। तो इसका नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इन सभी का, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इन सब का नाम दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि गुजरात का लोक नृत्य क्या है? चलिए आंसर करिएगा दोस्तों फटाक से। और इसके अलावा जो अलग से डेटा दे रहे हैं आपको, उस डेटा को इसलिए मैं बोल रहा हूँ याद करने के लिए, क्योंकि आपको वो नाम चेंज करके पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। अगर मान लो गुजरात का लोक नृत्य अभी एग्जाम में पूछ दिया इस शिफ्ट में, अगले शिफ्ट में भी गुजरात का लोक नृत्य पूछ सकता है यहाँ पे कोई एक नाम देके, ठीक है। तो डांडिया रास मान लो दे दिया और पूछेगा कि किसका लोक नृत्य है, तो ये आपको बताना होगा गुजरात का, इसलिए ये डेटा आपको याद करना जरूरी है। तो आंसर यहाँ पे गरबा है गुजरात का लोक नृत्य, उसके अलावा ये है सारे डांस यहाँ पे जो किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का लोक नृत्य क्या है? चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में। आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, नोट कर लीजिएगा, झूमर इज द राइट आंसर, ठीक है। और झूमर और भी कहीं का लोक नृत्य है, आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे झूमर फाग, ढाप, धमाल, लूर, गुगा और खोर गागोर नाम के लोक नृत्य किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य, फटाफट आंसर कीजिएगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में, 3 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है आपको यहाँ पे कमेंट करने के लिए। चलिए आंसर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है इट्स अ सी, जोहार, नोट कर लीजिएगा, जोहार है, झोरा है, माफ कीजिए, झोरा इज द राइट आंसर, जोहार बोल रहा हूँ मैं, इट्स अ झोरा जो है हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। इसके अलावा झाली,
चरही, दमन, चपेली, मसाहू, नाती ये किए जाते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है आपके सामने, यहाँ पे नीचे कमेंट कीजिएगा अपने आंसर को कि जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य क्या है। तो आंसर है दोस्तों यहाँ पे नोट कीजिएगा, इट्स अ डी रौफ जो है यहाँ का जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य हुआ करता है। इसके अलावा रौफ के अलावा हिकात, मंदजास, कुड़दांदी नाच और दामली यहाँ का लोक नृत्य माना जाता है, होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य जो है हमारा कर्नाटक, वहाँ का लोक नृत्य क्या है दोस्तों, ये कमेंट कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट। चलिए आंसर है इट्स अ ए यक्षसंघन, नोट कर लीजिएगा यक्षसंघन जो है यहाँ का कर्नाटक का लोक नृत्य है। इसके अलावा यहाँ पे कुनिथा, करगा और लांबी जैसे नृत्य भी किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिएगा कि केरल का लोक नृत्य क्या है। कर्नाटक के बाद हम आते हैं केरल में, और केरल की यहाँ पे लोक नृत्य अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है दोस्तों कथकली क्लासिकल, जो कि उसके अलावा यहाँ पे कैकुटकली और मोहिनीअट्टम और उसके अलावा ओत्तम थुलाल जो है ये यहाँ पे लोक नृत्य किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि राज्य महाराष्ट्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है। महाराष्ट्र का जो लोक नृत्य है दोस्तों वो है यहाँ पे लावणी, नोट कर लीजिएगा आप लोग सभी, और आप लोग का आंसर यहाँ पे आना चाहिए वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग आंसर अपने नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आंसर होता है यहाँ पे इट्स अ सी लावणी, और उसके अलावा यहाँ पे अलग अलग भी जो लोक नृत्य हैं वो किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि राज्य उड़ीसा का प्रदेश है, वहाँ लोक नृत्य क्या है। तो ये देखिए ये क्वेश्चन RRB JEE में कल पूछा गया था और आज भी रिपीट किया गया है इस क्वेश्चन को। तो उड़ीसा का जो लोक नृत्य है दोस्तों वो है ओडिशी। ठीक है, ओडिशी क्लासिकल जो है यहाँ का लोक नृत्य है। सावरी, घूमरा, पइंका और मुनारी चाऊ जैसे यहाँ पे लोक नृत्य भी किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि राज्य राजस्थान का लोक नृत्य क्या है। चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा, आंसर है दोस्तों घूमर, नोट कर लीजिएगा घूमर जो है यहाँ का लोक नृत्य है। और चकरी, गंगौर, झूलन लीला, झूना, सुसीन, घपल और कालबेलिया जो है यहाँ का लोक नृत्य में से एक है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिएगा कि राज्य पंजाब प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों एग्जाम में आपके, तो इसलिए यहाँ से प्लीज़ आंसर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। इट्स अ सी भांगड़ा। भांगड़ा के अलावा यहाँ पे गिद्धा जो है इसका लोक नृत्य माना जाता है, और इसके बारे में क्वेश्चन पूछा भी गया है आपके एग्जाम में कि गिद्धा कहाँ का लोक नृत्य है, ये आपसे क्वेश्चन ALP CVT 2 के पेपर में पूछा गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, गिद्धा इज द लोक नृत्य ऑफ पंजाब। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल प्रदेश का लोक नृत्य क्या है। तो ऑप्शन आपके सामने है उड़ीसी, काथी, भांगड़ा या घूमर। तो देखिए ये तीन तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। ठीक है, काथी जो है ये है आपका बंगाल का लोक नृत्य, पश्चिम बंगाल का। उसके अलावा यहाँ पे ढाली, जात्रा, बाउल, मराशिया और महल कीर्तन जैसे लोक नृत्य किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 15वां तमिलनाडु प्रदेश का लोक नृत्य क्या है। तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में, जल्दी से फटाफट नीचे कमेंट करते रहिएगा। चलिए भरतनाट्यम, नोट कर लीजिएगा नौटंकी, घरवाली या तरंगल मेल। तो आंसर कीजिएगा तमिलनाडु का जो यहाँ पे है नृत्य वो है भरतनाट्यम। ठीक है, उसके अलावा कुमी, कोलकत्तम, ठीक है कोलातम, ठीक है, और कावड़ी जैसे लोक नृत्य होते हैं तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कीजिएगा दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे जितने राज्य हैं उन सब के लोक नृत्यों के बारे में विशेषण किया गया है यहाँ पे, इसलिए इस वीडियो को देखते हुए यहाँ पे आंसर कीजिएगा आप लोग सभी, और सोचिएगा कि एग्जाम में ही आंसर आप कमेंट कर रहे हैं। तो राज्य उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है दोस्तों नौटंकी, याद रखिएगा। उसके अलावा रासलीला, काजरी, जोरा, चपेली और जैता जैसे जो नृत्य हैं वो किए जाते हैं। उसके अलावा हम आते हैं उत्तराखंड में, जो कि उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है ये राज्य, तो यहाँ का भी जो लोक नृत्य है वो डिसाइड कर लिया गया है, वो है दोस्तों गढ़वाली। जी हाँ, गढ़वाली जो है यहाँ का उत्तराखंड का लोक नृत्य है। इसके अलावा कुमायुनी, कजरी, रासलीला और छापेली जैसी लोक नृत्य यहाँ भी किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है गोवा प्रदेश का लोक नृत्य क्या है। चलिए गोवा का लोक नृत्य बताना है आपको नीचे कमेंट करके। इट्स अ तरंग मेल, नोट कर लीजिएगा तरंग मेल, कोली, देखनी, फुगदी, सिग्मो गोड़े और मोडनी, समाई नृत्य, जगर
रणमाले, गोम्फ और टुनया मेल जैसे नृत्य यहाँ पे किए जाते हैं। ओके, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गोवा का पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। राज्य मध्य प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? चलिए, मध्य प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, आंसर कीजिएगा दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट। चलिए, आंसर है दोस्तों, इट्स ए ज्वारा। नोट कर लीजिएगा, ज्वारा जो है यहाँ का लोक नृत्य में से एक है, जिसमें कि मटकी, आधा खड़ा नाच, फूल पत्ती, गिरिधा डांस और सेलाल रकी और सेला बधोनी मांच जैसे लोक नृत्य भी किए जाते हैं मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों कि छत्तीसगढ़, जो कि मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ एक राज्य है, यहाँ पे कौन सा जो इसका लोक नृत्य डिसाइड किया गया है, तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों, आंसर है आपका यहाँ पे, इट्स अ बी, नोट कर लीजिएगा, गौर मरिया, नोट कर लीजिएगा। और आप लोग भी आंसर नीचे कमेंट कर रहे हैं, इन सब पे नज़र है हमारी, और कौन कितना आंसर कमेंट करके सही उत्तर दे रहा है ये भी लास्ट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य क्या है, इट्स अ गौर मारिया। उसके अलावा यहाँ पे जो डेटा दिया गया है इसको देख लीजिएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। झारखंड का लोक नृत्य क्या है, तो यहाँ पे देखिए बिहार से अलग हुआ ये राज्य है झारखंड, तो यहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों, इट्स अ सी अलकप, नोट कर लीजिएगा। उसके अलावा कर्मा मुंडा, अग्नि झूमार, जनानी झूमार, मर्दाना झूमर और पैका फगुआ, हुंटा डांस और मंदारी डांस, सरहुल डांस और बराओ, जिखता, दांगा, डोमच और घोड़ा नाच भी किया जाता है यहाँ पे। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सारे नाच यहाँ के इंपॉर्टेंट है, लोक नृत्य है ये यहाँ के, और ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में जरूर। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है दोस्तों, इट्स अ डी, बुइया, नोट कर लीजिएगा। बुइया, चालो, वांचो, पासी, कोंग की, पोंग और पोपिर जैसे यहाँ पे लोक नृत्य किए जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है कि राज्य मणिपुर का लोक नृत्य क्या है? तो राज्य मणिपुर का लोक नृत्य है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, इट्स ए डोल, डोल कोलम, नोट कर लीजिएगा। डोल कोलम जो है यहाँ के लोक नृत्यों में से एक है, जो कि मणिपुर में किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जितने भी यहाँ पे हैं नृत्य, इसका नाम नोट कीजिएगा और याद कर लीजिएगा, है ना, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन अलग अलग से भी बना के पूछे जा सकते हैं कि नूपा डांस कहाँ का फेमस लोक नृत्य है, तो आपको बताना होगा इट्स अ मणिपुर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, अब मेघालय का लोक नृत्य क्या है? मेघालय का लोक नृत्य है दोस्तों, इट्स अ बी, का शाद शुक मैसिन, नोट कर लीजिएगा, का शाद शुक मैसिम और नोंगरम और लाहू, ये तीन यहाँ के लोक नृत्यों में से एक है, आंसर बी होगा, नोट कर लीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 कि मिजोरम का लोक नृत्य क्या है? तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा, इट्स अ सी, चिरैव डांस, नोट कर लीजिएगा, चिरैव डांस, खुल्लम, चिलम सवलिंकन और च्वेंगल लिजवान और जेंगटोलम और पैरलम, और यहाँ के सारे ये सब जो है लोक नृत्य हैं, जो कि आपको याद रखने होंगे किसी भी तरह, क्योंकि क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में भी इससे पूछे जा सकते हैं कि लोक नृत्य बताइए सात, जो कि आपके मिजोरम स्टेट में किए जाते हैं, ठीक है, या फिर किसी का नाम पूछ के ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ये कौन से राज्य का लोक नृत्य है। तो ये क्वेश्चन का सिनारियो आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कीजिएगा कि नागालैंड का लोक नृत्य क्या है? तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, नागालैंड का जो लोक नृत्य है वो है दोस्तों रंगमा, नोट कर लीजिएगा, रंगमा, बॉम्बो डांस, जेलिंगा डांस यहाँ पे और गिठिन लिंगम डांस, फिर उसके अलावा तेमांग गेंथिन डांस, ये सारे जो नृत्य हैं ये हैं आपके नागालैंड के। ये डेटा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको भी याद रखिएगा, इसका डेटा मैंने पीडीएफ में डाल दिया है, वैसे वो उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, पर वीडियो देखना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्यूज़ यहाँ पे आप करेंगे और लिखेंगे इसको, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमेशा के लिए याद रह सकता है आपको। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ का आज, त्रिपुरा का लोक नृत्य क्या है? तो दोस्तों त्रिपुरा का लोक नृत्य है, इट्स ए होजा गिरी, नोट कर लीजिएगा, होजा गिरी इज़ द राइट आंसर, और यहाँ पे एक ही लोक नृत्य है,
क्वेश्चन नंबर 27 है कि सिक्किम का लोक नृत्य क्या है। तो सिक्किम का लोक नृत्य है दोस्तों, इट्स अ चू फैट डांस, नोट कर लीजिएगा, चू फैट डांस। के अलावा यहाँ पे और भी जो है यहाँ के जो लोक नृत्यों में से एक हैं जो कि यहाँ पे की जाती है, और इनके नाम सारे मैंने लिखे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कि लक्षद्वीप का लोक नृत्य क्या है, और ये आज का आखिरी प्रश्न है क्योंकि तेलंगाना एक ऐसा स्टेट था जिसका लोक नृत्य अभी डिसाइड नहीं किया गया है, और वो आंध्र प्रदेश के ही लोक नृत्य उसको वहाँ पे फॉलो किए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो तेलंगाना का यहाँ पे आप लोग आंध्र प्रदेश वाला ही आंसर कर सकते हैं अगर पूछेगा तो। वैसे राज यहाँ पे लक्षद्वीप का यहाँ पे नीचे कमेंट कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ सी लावा और कोलकाली जो कि यहाँ के लोक नृत्यों में से एक हैं। दोस्तों आज के इस पूरे सिनारियों में जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं और आपने इस क्यूज़ को अटेंड किया है, तो प्लीज़ आप यहाँ पे बताइएगा कि कितने आपके आंसर सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, एटलीस्ट इतनी मेहनत हो रही है आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए, तो एक लाइक करके जाइएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप्स में जाके, ताकि उनको भी ये सारे वीडियो और पीडीएफ मिल सकें जो कि दूर दराज के गांव में बैठ के तैयारी कर रहे हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना, मिलते हैं अगले वीडियो में।